वेलकम बैक। आई नो आपने ये वीडियो एक्सपेक्ट तो नहीं करा, लेकिन मैं फिर हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे लेजेंडरी पाकिस्तानी सिंगर के बारे में जो इस दुनिया से चले गए 16 अगस्त 1997 को, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी वैसे ही जादू बिखेरती है और वैसे ही जिंदा है जैसे पहले थी। उस्ताद परवेज फतेह अली खान साहब, जिन्हें दुनिया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के नाम से जानती है, 13 अक्टूबर ईयर 1948 में पैदा हुए। उन्होंने अपने करियर की फर्स्ट परफॉर्मेंस 15 इयर्स की एज में दी। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की फर्स्ट कवाली दमबस कलंदर थी, जिसने उन्हें शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंचा दिया कि कोई उनके लेवल को टच ना कर सका। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को उनके शानदार म्यूजिक करियर की वजह से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड्स के लिए उनका नाम नॉमिनेट किया गया। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, सबसे ज्यादा यानी 125 कवालिस रिकॉर्ड करने के लिए। टोक्यो में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को सिंगिंग बुद्धा कहा जाता है। एले यानी लॉस एंजलस में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को वॉइस ऑफ द पैराडाइज कहा जाता है। पेरिस में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को एम्पायर ऑफ कवाली कहा जाता है, और वर्ल्ड वाइड उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब को शहनशाह कवाली कहा जाता है, यानी द किंग ऑफ कवाली। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने अपने करियर में इतनी सारी हिट कवाली थी कि बॉलीवुड ने अपनी कई सारी बड़ी फिल्मों में कॉपी किया बिना उन्हें क्रेडिट दिए। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बड़ी बॉलीवुड फिल्म बताने जा रही हूँ, जैसे कि मोहरा, औजार, राजा हिंदुस्तानी, जुदाई और कोयला जैसी फिल्मों में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के कवाली को सॉन्ग बना के पेश कर दिया गया बिना उन्हें क्रेडिट दिए। अभी तो ये शुरुआत थी, अपनी आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी बॉलीवुड फिल्म के लिस्ट बताने वाले ही हूँ जिनमें उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की कवाली को सॉन्ग बना के कॉपी कर दिया गया बिना उन्हें क्रेडिट दिए। 1995 में एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था याराना। इस फिल्म में एक सॉन्ग था जो पिक्चराइज किया गया है बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पे। इस सॉन्ग को गाया बॉलीवुड सिंगर कविता कृष्णामूर्ति ने। इस सॉन्ग को कॉपी किया गया है एक सूफी कलाम से जो उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने 1980 में पढ़ा था। इस सूफी कलाम का नाम है मेरा पिया घर आया। जिसका नाम था मरजावा, और इस फिल्म में भी एक सॉन्ग कॉपी किया गया है जो बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने गाया था। 1993 में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ये सॉन्ग ऑलरेडी गा चुके हैं। इस सॉन्ग का नाम था किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया। किन्ना सोना, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनु रब ने बनाया, जी कर देखदा रब। 2022 में बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक गाना गाया जो कॉपी किया गया था उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक सॉन्ग से, तो उन्होंने 1991 में गाया था, जिसका नाम है दिल पे जख्म खाते हैं। दिल पे जख्म खाते हैं, ये दिल पे जख्म खाते हैं, ये जान से गुजरते हैं, जो सिर्फ इतना है, ये उनको प्यार करते हैं, दिल पे जख्म खाते हैं,
और मुस्कुराते हैं। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने एक गाना गाया जिसका नाम था मस्त नजरों से अल्लाह बचाए। ये सॉन्ग रिलीज हुआ ईयर 2022 में और इस सॉन्ग को भी कॉपी किया गया उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की सॉन्ग से जो ईयर 1998 में उन्होंने गाया। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, ओ हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। यार 1990 में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब ने एक गाना गाया जिसका नाम था गम है या खुशी है तू। जुबिन नौटियाल और टी सीरीज की इस गाने पे ही नजर पड़ गई तो उन्होंने इस गाने को भी कॉपी कर लिया बॉलीवुड फिल्म सत्यमेव जयते 2 में और इस सॉन्ग को पिक्चराइज किया गया है बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम पे। गम है या खुशी है गम है या खुशी है मेरी जिंदगी है मेरी जिंदगी है गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। ईयर 2021 में बॉलीवुड एक्टर इमरान हाशमी पे एक सॉन्ग पिक्चराइज किया गया है जिसका नाम था लुट गए और इस सॉन्ग को गाया है बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने और इस सॉन्ग को भी कॉपी किया गया है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक सॉन्ग से जो ईयर 1990 में उन्होंने गाया जिसका नाम था आप उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। आप उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। आप उठती मोहब्बत ने अंगड़ाई ली दिल का सौदा हुआ चांदनी रात में। उनकी नजरों ने कुछ ऐसा जादू दिल का सौदा हुआ चांदनी तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। 1988 में एक बॉलीवुड फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था सौतन की बेटी और इस फिल्म में एक सॉन्ग है जिसका नाम हल्का हल्का सुरूर है और इस सॉन्ग को बॉलीवुड के लेजेंड सिंगर किशोर कुमार ने गाया। इस सॉन्ग को पिक्चराइज किया गया है बॉलीवुड एक्टर जतिंदर पे और इस सॉन्ग को भी कॉपी किया गया है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक सॉन्ग से जो उन्होंने गाया ईयर 1981 में जिसका नाम था ये जो हल्का हल्का सुरूर है। शराब पीना सिखा दिया मुझे एक शराबी बना दिया ये जो हल्का हल्का सुरूर है सब तेरी नजर का कसूर है तूने जाम लोगों से पिला दिया मुझे एक शराबी बना दिया। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल और टी सी ने एक और सॉन्ग कॉपी कर दिया जो रिलीज हुआ ईयर 2023 में और इस सॉन्ग को भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के एक सॉन्ग से कॉपी किया गया है जिसका नाम था काली काली जुल्फों के फंदे ना डालो। काली काली जुल्फों So guys, ये थे वो सारे सॉन्ग जो मैंने आज आपको दिखाए और भी काफी सारे सॉन्ग हैं जो मैं आप लोगों को अपने आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
मुझे लाइक शेयर और कमेंट के जरिए बताते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।